सो नाउ स्टूडेंट्स इट इज मतलब हमारा एक स्प्रिंट का फॉर्मल क्लोजर हो गया हमने रिलीज नोट्स भी हैंड ओवर कर दिए यानी आफ्टर रिलीज और आफ्टर स्प्रिंट जो भी डिसीजन है अब जो आखिरी एक्टिविटी एजाइल में फॉर्मल क्लोजर के बाद होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ये ट्रेडिशनल आप कह लें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में नहीं होती ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि दो हफ्ते या तीन हफ्ते टीम ने मिलके काम किया इसमें स्क्रम मास्टर भी है क्लाइंट भी है डेवलपर्स भी हैं एंड एवरीबडी न्यू कि बाकी टीम मेंबर क्या कर रही है ये एक ड्यू टू डेली स्टैंड टीम मेंबर को पता है कि दूसरा टीम मेंबर क्या कर रहा है नाउ इट इज अ टाइम ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन अब यह देखना है कि अगली स्प्रिंट से पहले जो स्प्रिंट गुजर गई है उसके लेसन लर्न क्या हैं लेकिन इन अ बिट नॉन अ ट्रेडिशनल वे तरीका को बताता हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है लेकिन बहुत डिफरेंट है वो ये है कि इसका रूल ये होता है कि एक एक मीटिंग कॉल होती है जिसके अंदर क्लाइंट जो अमूमन एट टाइम कंपनी का सीईओ भी होता है स्क्रम मास्टर जो कि अमूमन सीनियर बंदा होता है डेवलपर्स फ्रॉम जूनियर टिल सीनियर टीम लीड ये सारे एक रूम में बैठे जाते हैं रूल ये है कि जितने भी लोग उस स्प्रिंट का पार्ट थे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट ओनर टिल द जूनियर मोस्ट रिसोर्स हर बंदा तीन सवालों का या दो सवालों का जवाब देगा वो ये है कि स्प्रिंट के अंदर जो अच्छा काम है वो बताओ हर बंदा बताएगा और जो काम गड़बड़ हुआ है वो बताओ और तीसरा पॉइंट कि व्हाट नॉट टू डू इन द नेक्स्ट स्प्रिंट और रूल ये है कि अगर सीईओ ने भी कोई गड़बड़ की है राइट इट बताओ बोलो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि डोंट हाइड हाइडे पता सबको है इट इज अ टाइम टू डॉक्यूमेंटेड और जो ये मीटिंग होती है ये अमूमन आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होती हर टीम मेंबर बोलता स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर मोस्ट डिवेल्पर टिल सीनियर मोस्ट डिवेलपर स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर सेल्स की टीम जो भी लोग इन्वॉल्व थे ये चीज सुनने में बड़ी आसान है कि इसका क्या फायदा होता है इसका फायदा ये होता है कि हर बंदा बड़ा कॉन्शियस हो जाता है एंड जब आप नेक्स्ट स्प्रिंट आप प्लान करने जाते हैं देन यू नो कि पिछली स्प्रिंट में क्या चीज आपने गलत की थी एक चीज होती है यानी अगर मैं इसको अगर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस से इसको कंपेयर करूं ना उसमें एक्चुअली एक्टिविटी होती ही नहीं है तो किसी को पता ही नहीं लगता कि दूसरे टीम मेंबर में ने क्या चीज गड़बड़ की है और क्या चीज अच्छी की है क्योंकि ऐसा कथन नहीं होता कि स्प्रिंट में कोई काम अच्छा ही नहीं हुआ अच्छा भी हुआ है कुछ बुरा भी हुआ है बताएं लास्ट थिंग इज वी मेक इट ऑफिशियल हम इसके मीटिंग में पब्लिश करते हैं सारी की सारी ऑडियंस उस ईमेल थ्रेड का पार्ट होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हर एक को बता रहे हैं कि किस बंदे ने या बंदी ने क्या बोला है अबाउट अ स्प्रिंट इट इज अ वेरी वोकल डिस्कशन और लास्ट रूल एक बंदा जब बोल रहा है नो बडी इवन सी Will not intervene. अगर वो इंटरवीन करे वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है रीजन एवरीबडी शुड शुड बी एबल टू टेक द्रिटिस ने कोई चीज सही नहीं की वी हैव टू टेल हिम अगर सीनियर ने कोई चीज सही नहीं की उसको बताना है यानी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा रेट्रोस्पेक्टिव में ये चीज सुनने में बड़ी आसान है हमारे जो पाकिस्तान का कल्चर है ना आपको यू you नो know, टीम को बहुत कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि यार दस लोगों के सामने बोलोगे तो कुछ आई मीन नथिंग विल हैपन जो ये एक्टिविटी है इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा लोगों को रिजर्व देखा यानी यू कैन सी देयर फेसेस बट दे वॉन्ट स्पीक हमारा कल्चर कुछ ऐसा यानी हम कहते हैं यार कुछ बोल देंगे तो पता गड़बड़ हो जाएगी लेकिन एजाइल को अचीव करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव इन माई ओपिनियन इज द मोस्ट आप कह लें मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिविटी टू अचीव क्योंकि आपको uh, बोलना पड़ता है अगर कोई चीज़ गलत हो रही है